नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। ग्वालियर जिले की भीतरवार नगर परिषद के एक नागरिक ने नगर परिषद भीतरवार पर आरोप लगाया है कि नगर परिषद भीतरवार ने अतिक्रमण हटाने के मामले में भेदभाव और पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रही है। अधिकतर देखा गया है कि भीतरवार में वार्ड नंबर 1 से लेकर 15 तक सभी स्थानों पर भवनों का निर्माण किया गया है, जिनमें शासकीय भूमियों पर बनाए गए भवन भी शामिल हैं, लेकिन अधिकारियों को भनक तक नहीं लगी। वहीं पर कार्यवाही के नाम पर चिन्हित मुझे निशाना बनाकर परेशान किया जा रहा है। आपको बता दें कि ताज़ा मामले में पीड़ित गजेंद्र रावत ने नगर परिषद के अधिकारियों पर आरोप लगाया है कि नगर परिषद के द्वारा मेरे भवन निर्माण सामग्री अतिक्रमण हटाने के नाम पर बिना नोटिस दिए जब्त कर ली। मुझे अपना पक्ष रखने का अवसर भी नहीं दिया गया, जबकि पूरे भीतरवार में तमाम स्थानों पर कुछ लोगों द्वारा शासकीय भूमियों पर अतिक्रमण कर भवनों का निर्माण किया गया है और अभी भी किया जा रहा है, मगर परिषद के द्वारा ऐसे स्थलों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। मेरे को मेरा आज से नहीं 50 साल पूर्व से कब्जा है, इसके पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, नगर पंचायत की तरफ से मेरी पूरी रसीदें हुई हैं और उसका टैक्स भी बराबर भर रहा हूँ। पंचायत के टाइम से पूर्व जी जब भी हमारे पूर्वजी आते, घाटमपुर मौजा हमारा शिवम का था जी, इधर उधर के लोगों ने यहाँ आकर के घिरवा दिया है। नगर पंचायत ने जब इसी उनसे पैसे ले दे करके, हम लोगों ने पैसा नहीं दिया तो मेरी मकान को नहीं बनने दिया। मेरी यहाँ मड़ियाँ बनी थी, पहले मकान बने हुए थे, उनको ध्वस्त किया जबरदस्ती। अगर आप मेरे आपको मैं पूरी आपको डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा, मेरे ऊपर कोई भी प्रकार का कोई वैसा वो नहीं है कि मैं शासकीय जगह गिर रहा हूँ। आबादी भूमि है, हमारे ग्राम की भूमि है, गाँव घाटमपुर ग्राम की मौजे की भूमि है और इसका बराबर टैक्स भर रहा हूँ। आज तक सन 1971 से और सन 2021 तक का मेरे पास टैक्स है। आपने ये सर, आज नगर परिषद के द्वारा आपके आदेश पर कार्रवाई की गई है, क्या है सर? जो अभी नया नगर परिषद कार्यालय का निर्माण हो रहा है वार्ड क्रमांक 4 बिजली घर के सामने, उस पे शासकीय भूमि पे किसी अनजान व्यक्ति ने अपने कुछ निर्माण सामग्री पटकी थी, वो हटवाई है। क्या सर उस पर जो जमीन का अवैध कब्जा भी है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है और वो शासकीय भूमि है, बहुत पहले संकल्प भी हुआ है परिषद का बाल उद्यान के लिए, और वो किसी की निजी भूमि मेरे नॉलेज में आज तक आई नहीं है। यदि कोई दावा पेश करता है तो वो अपने विधिवत दस्तावेज पेश करे कि ये स्वामित्व मेरा है, और बाकायदा विधिवत वगैरह उसको आपत्ति है तो वो करेंगे हमसे पूछ के। ना हमने कोई निर्माण की अनुमति दी, ना ही किसी प्रकार का कोई हमारे पास विवाद का विषय नहीं आया। किसी अनजान ने जो सामग्री रखी वो हटवा के हमने जब्त कर लिया। उसका दूसरे पक्ष का कहना ये है कि मैं विधिवत नगर पालिका द्वारा आयत किया हुआ जुर्माना भर रहा हूँ, मेरे पास रिसिप्ट है और अन्य लोगों के अतिक्रमण नहीं हटाया जा रहा है, केवल मेरे को ही चालू किया। नहीं नहीं, उन्होंने अभी 2 दिन पहले 1 दिन पहले ही निर्माण सामग्री पटकी। अब निर्माण सामग्री क्यों पटकी, क्या है, उनको कोई प्रॉब्लम है तो वो विधिवत कार्रवाई करें।